हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये टॉपिक कहीं पे अवेलेबल नहीं है, ऐसे कोई नहीं पढ़ा रहा है। आई डोंट नो व्हाई ये बाक यूडीसी लेवल 2 के एग्ज़ाम में आने वाला है। उन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन किया है बहुत स्पेसिफिकली, लेकिन उसके बावजूद ये टॉपिक कहीं नहीं मुझे मिला ऑनलाइन। मैंने कई गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट्स के यू नो सर्कुलर्स या फिर पीडीएफ्स निकाले, उनमें से कुछ 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 इन्फॉर्मेशन कोलेट करके आज आपके लिए ये पूरा छोटा सा लेसन प्रिपेयर किया है, जिसमें हम नोटिंग और ड्राफ्टिंग दोनों को समझेंगे, दोनों के फॉर्मेट समझेंगे एंड सैम्पल क्वेश्चंस के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट यू नो अच्छे से कर लेंगे आज। सो लेट्स बिगिन देन। सो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आर पार्ट ऑफ द सेम प्रोसीजर। एक प्रोसीजर है पूरा जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपको आपके इंडक्शन आपकी एंट्री के बाद सिखाया जाता है एंड ये एक ही प्रोसीजर के दो पार्ट्स हैं। सो नोटिंग पहले होता है एंड देन ड्राफ्टिंग होती है, बट इनका मेथड और पर्पस जो है वो बहुत अलग है। सो नोटिंग जो है वो एनालिसिस होता है किसी भी केस या सिचुएशन का, ठीक है। तो आपके पास कोई सिचुएशन या कोई केस आता है जिसको आपको काफ़ी मैनी पॉइंट ऑफ व्यूज मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज से आपको उसको समझना पड़ता है कि क्या क्या है इसमें एंड व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट। जहाँ की ड्राफ्टिंग जो है वो नोटिंग के ठीक बाद आता है। सो व्हाट यू डू इन ड्राफ्टिंग इज आपको एक मैसेज एक सोल्यूशन पकड़ के जो कि आपने नोटिंग के दौरान निकाला होगा वो आपको ड्राफ्टिंग में डालना होता है विद अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी कि यार ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं ना। आपने एक चूज़ कर लिया जो कि नोटिंग के बाद कर लिया और उसको आप जो है सीधे सीधे ड्राफ्टिंग में डाल देंगे। अच्छा, व्हाट इज़ नोटिंग एंड व्हाई इज़ इट रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या होता है, यू डू एन एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस दैट रिक्वायर डिसीजंस, ठीक है। देन यू गिव सजेशंस एंड द कोर्स ऑफ एक्शन विच हैज़ टू बी टेकन। तो यहाँ पे आपके पास एक केस आता है एंड उसको आपको इन तीन तरहों से देखना होता है। सबसे पहले आप करते हैं उसका एनालिसिस, देन आप आते हैं उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे कि ठीक है ये प्रॉब्लम है हमारे पास या फिर ये सिचुएशन है, इसका अब हमें क्या सोल्यूशन निकालना है। व्हाट यू डू देन इज यू गिव मल्टीपल सजेशंस, जैसे कि हमने बोला था कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज रहते हैं। सो यू गिव मल्टीपल सजेशंस रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ एक्शन कि क्या करना चाहिए इस केस में। अच्छा, वॉट इट डज इज़ वाई इज़ इट रिक्वायर्ड वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमारे पास यहाँ है कि इट असिस्ट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कैसे, कोई भी सोल्यूशन है आपने इसके बहुत सारे दे दिए सजेशंस कि इसको हम ऐसे 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 टैकल कर सकते हैं एंड इससे क्या होता है कि आपको फिर इसमें से कोई एक चूज करके उसके साथ आगे बढ़ना होता है विच इज़ वॉट यू विल फाइंड इन योर ड्राफ्टिंग। बट अभी हम पहले करेंगे हमारा नोटिंग। नाउ विल कम टू द स्ट्रक्चर। आपको अगर इसका स्ट्रक्चर समझना है तो बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, आपके सामने जो केस है वो क्या है। नेक्स्ट है हाउ हैज़ द प्रॉब्लम अराइजन, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे आप दे देंगे उसका बैकग्राउंड। देन आपके आएंगे रूल्स या पॉलिसीज जो कि रेलिवेंट है केस के। अब हम इसको ना जो हम अभी सैम्पल करने वाले हैं उसमें आप बहुत ईजिली समझेंगे कि रूल्स और पॉलिसीज में एक्चुअली में क्या आता है एंड दिस इज़ नॉट रियली मैंडेटरी। अगर ये क्वेश्चन में दिया है देन इट्स ओके, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी टू पुट इट। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट यू हैव टू टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द वायबल ऑप्शंस, जो जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसको आपको देखना है ताकि आप डिसीजन ले पाएं। दिस इज़ टू बी डन सो दैट यू फाइंड द डिसीजन द फाइनल डिसीजन दैट हैज़ टू बी टेकन, जो कि ये बेस्ट सोल्यूशन एंड हाउ विल द प्रॉब्लम बी सॉल्व। तो जब आप ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को दिमाग में रख के उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि नोट जो आपका बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मेट वंस। ओके, सबसे पहले नोट नंबर, ये आपको मेरे ख्याल में क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। एज आई सेड कहीं पे अवेलेबल नहीं था तो मैं रेफ़र भी ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जो अवेलेबल था उस हिसाब से मैंने ये फॉर्मेट वहीं से निकाला है। सो इट्स लेजिटिमेट बट दिस इज़ व्हाट देव गिवन। सो आई थिंक ये आपका क्वेश्चन में ही वो दे देंगे। देन द फाइल नंबर एंड डेट, अगेन आपको ये क्वेश्चन में ही मिल जाना चाहिए। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है इट मीन्स लाइन ब्रेक, आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है। मतलब इन दो चीज़ों को लिखने के बाद एक लाइन छोड़ो एंड देन सब्जेक्ट, आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डालेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी एक बार लिस्ट कर दे रही हूँ बट यू विल सी ईच एंड एवरी थिंग वेन वी डू द सैम्पल। सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा प्रीवियस नोट रेफरेंस इफ एनी। सो अगेन, अगर ये क्वेश्चन में दिया है
तो आपको डालना है, वरना आपको इसको छोड़ देना है। अच्छा, प्रीवियस नोट रेफरेंस अगर दिया तो एक आर सेंटेंस में वो बताएंगे कि इस सिचुएशन पे प्रीवियसली अगर कोई नोट बनाया गया है तो उसमें क्या लिखा था, और आप चाहें तो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि अब जो ये नोट पढ़ रहा है उसको इस बैकग्राउंड, इस सिचुएशन के बैकग्राउंड के बारे में पता रहे। देन यू गिव अ लाइन ब्रेक रेड वाला, देन यू मूव ऑन टू डिटेल्ड सब्जेक्ट मैटर जिसको बॉडी कहते हैं हम नोट की। एज यू कैन सी ये 1, 2, 3 में है तो इट हैज़ टू बी नंबर्ड, इट हैज़ टू बी नंबर्ड एट ऑल कॉस्ट्स। ठीक है, ये मैंडेटरी एक है। मैंने सारे नोट्स जितने भी मैं देख पाई हूँ नोटिंग, उन सब में नंबर्ड था, सैम्पल में भी हम देखेंगे। अच्छा, इनका टाइटल आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आप रहने भी दे सकते हैं। देन द अथॉरिटीज और ऑर्डर्स ऑन सब्जेक्ट इफ एनी, ये भी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमको जब क्वेश्चन में गिवन था तो हमने मेंशन कर दिया एनी डिपार्टमेंट, ठीक है, एनी मिनिस्ट्री, अगर ये है इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन तो हम इसको डाल देंगे, वरना वी विल नॉट डू दिस। फाइनली प्रपोजल, व्हाट इज़ द प्रपोजल, ये जो आप सजेस्ट करते हैं, आपके सजेशंस यहाँ पे आ जाते हैं। देन द सिग्नेचर ऑफ द इनिशिएटर, इनिशिएटर कौन है, आप, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है नोटिंग के बारे में, आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको। मान लीजिए आपकी टीचर है, ठीक है, इन्होंने, इनके पास काफ़ी काम है, ठीक है, इन्होंने आपको बोला कि देखो आप ना मेरे लिए एक नोट प्रिपेयर करो जो कि आपको मैं बनके, मतलब टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नोट लिखना है, लेकिन लिखोगे आप, एंड देन द टीचर विल रीड इट एंड देन परहैप्स साइन ऑन इट एंड सेंड इट फॉरवर्ड। तो आपको इसमें करना क्या होता है, यहाँ पे आप जब नोट लिखेंगे तो आप इनिशिएटर बन जाएंगे और ये बन जाएगा ऑफिसर। ये देखिए, ये रहा इनिशिएटर जो कि आप हैं और ये रहा ऑफिसर जो कि आपका सुपीरियर है, और उसके साइन यहाँ आएंगे, वो पढ़ेगा और उसके बाद ही ये डॉक्यूमेंट आगे जाएगा। तो इनिशिएटर हुए आप, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा और डेट आएगी, यहाँ पे आएगा सिग्नेचर उस ऑफिसर का जो आपका सुपीरियर है एंड वहाँ पे उसके डेजिग्नेशन और फिर डेट आएगी। सो ये तो था हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट, ठीक है। नाउ वी लुक एट अ सैम्पल वन, ठीक है। फर्स्टली पढ़ने के भी पहले व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू चेक द फॉलोइंग। पहले हमने क्योंकि फॉर्मेट कर लिया तो हम फटाफट देख लेते हैं कि इस नोट में क्या ये चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं। नोट नंबर, ये रहा आपका नोट नंबर। सब्जेक्ट, ये रहा आपका सब्जेक्ट, टोक्यो सीकिंग परमिशन टू शूट मूवी इन इंडिया। बहुत क्रिस्प, याद रहे, क्रिस्प शॉर्ट टू द पॉइंट, ये होता है आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट, प्रीवियस नोट रेफरेंस मिसिंग। अच्छा हाँ, इसमें प्रीवियस नोट रेफरेंस हमें नहीं मिलता, ये सीधा सीधा मैंने गवर्नमेंट साइट से उठाया है। यहाँ पे जो हमने, याद है, यहाँ पे ये बात की थी प्रीवियस नोट रेफरेंस, ये हमें इधर नहीं मिलेगा क्योंकि ये फ्रेश सब्जेक्ट है, ये पहली बार इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में, तो कोई प्रीवियस रेफरेंस ही नहीं होगा, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे स्किप कर देंगे। नंबर्ड सब्जेक्ट मैटर बहुत ज़रूरी, 2, 3, 4, 6, 5 खा गए, 5 खाए। ओके, अथॉरिटीज मेंशन्ड, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सो ये ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा, सो आपको अगर गिवन है तो डाल देना है, यू नो रिक्विजिट नेसेसरी जगह पे आपको इसको डाल देना है। अब द प्रपोजल, जैसे कि इन्होंने खुद ही लिखा है, पैराग्राफ 4, ये जो पूरा पैराग्राफ है, दिस हैज़ द सजेशन और द प्रपोजल ऑफ व्हाट शुड बी डन टू काउंटर दिस प्रॉब्लम। एंड फाइनली सिग्नेचर ऑफ इनिशिएटर एंड ऑफिसर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इनिशिएटर का, ठीक है, और ये रहे पी सी गुप्ता, आपके रहे ऑफिसर। समझ गया। अब सम इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर नोटिंग, कंसाइज होना चाहिए एंड टू द पॉइंट, जैसे कि मैं बोलती आ रही हूँ, फालतू चीज़ें हम नहीं डालेंगे, क्वेश्चन जितना मांग रहा है फैक्ट्स, देर हैव टू बी फैक्ट्स, वो ही प्रेजेंट करेंगे। बहुत सिंपल और डायरेक्ट स्टाइल रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी थी, टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू इम्प्रेस। यहाँ आप लेटर नहीं लिख रहे हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, यू जस्ट एक्सप्रेसिंग व्हाट द फैक्ट्स।
बिजनेस लाइक लैंग्वेज, कर्टियस इवन इफ डिसअग्रीइंग. मान लीजिए आप किसी चीज पे अग्री नहीं करते, मान लो टोक्यो ठीक है मांग रहा था कि यार हम यहाँ पे फिल्म शूट कर ले बची हुई, हमने बोल दिया नहीं कर सकते किसी रीजन से. मान लो उस जगह पे कुछ और चल रहा है काम एंड यू कांट डू इट, यू हैव टू बी कर्टियस, मतलब सॉफ्ट, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही नॉन यू नो गंदी तरह से बात नहीं करनी. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल. देन पैराग्राफ्स ऑफ कन्वीनियंट साइज, सीरियली नंबर्ड विच इज़ अ स्टार मार्क एंड मे हैव ब्रीफ टाइटल्स, मे हैव. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्पेसिफिकली दिमाग में रखनी है. नेक्स्ट, एक और बार मैं बता देती हूँ, इंट्रोड्यूस आपको नोटिंग में क्या करना होता है, एक इशू या बैकग्राउंड उसका. टोक्यो को फिल्म शूट करनी है, जब आप उस नोट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक परमिशन मांग रहे हैं एंड आपके डिपार्टमेंट या आपकी मिनिस्ट्री को देनी है, तो उसके लिए आप कुछ तो बैकग्राउंड देंगे ना कि यार किस चीज़ के लिए. सो इंट्रोडक्शन वुड बी दिस. फैक्ट्स प्रेजेंट होने चाहिए, सप्लाई मिसिंग फैक्ट्स. मान लो कुछ चीज़ें क्वेश्चन में नहीं गिवन है एंड ये चीज़ स्पेसिफिकली आप जब गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएंगे तब आपको करवाई जाएगी. आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन इट इन द सिलेबस बट वी हैव टू डू इट. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली तब आपके पास पावर होगी, आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी. तो जो मिसिंग फैक्ट्स हैं, मान लो कुछ और भी उस जगह हो रहा है जहाँ पे उनको मूवी अपनी फिल्म करनी है, तो यू विल ऑल्सो प्रोवाइड दोज मिसिंग फैक्ट्स हियर. नाउ यू विल रेफर टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस. वहाँ पे कुछ रूल्स लगते हैं, वो इकोनॉमिकली सेंसिटिव, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है. सो आप वो सब चीज़ें भी मेंशन करेंगे क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिसर हैं एंड यू नो यू हैव द इंफॉर्मेशन. प्रेसिडेंट्स, अगेन इसके पहले क्या कुछ रहा है. अब ये तो हमारे पास एक फ्रेश टॉपिक था, मान लो ये हमारा था नोट टू जो हमने पढ़ा, और हमारे पास एक रेफरेंस नोट भी था जो कि बोल रहा था कि टोक्यो ऑलरेडी पूछ चुका है, हमने एक बार मना कर दिया, उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट की है और इस चीज़ के बारे में हमारा नोट टू है. तो इसमें हम जो प्रेसिडेंट देंगे वो इस नोट का देंगे कि इस नोट नंबर में जो कि आपका कुछ भी एक्स 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 वाई होगा, इसमें टोक्यो ने हमसे परमिशन मांगी थी, हमने उसको मना कर दिया था, ये भी मेंशन होगा. एंड देन सो वन टू एंड थ्री, इस वाले में ये दोनों, ये और ये दोनों मेंशन होंगे एज प्रेसिडेंट्स. प्रेसिडेंट्स इसकी हिस्ट्री, ये हो चुका है ऑलरेडी और अब हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं. नाउ सजेशंस, ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग स्टेज अभी नहीं है स्पेसिफिकली, या वो ड्राफ्टिंग में होती है लेकिन हम डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू गिव मल्टीपल सजेशंस. ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, चलो टोक्यो को कोई और सीनिक ब्यूटी जगह वाली दे देते हैं, टोक्यो को ये बोल देते हैं कि यहाँ फिल्म कर लो, वहाँ फिल्म करो, चलो थोड़ा कुछ और देख लेते हैं. यू हैव टू गिव द सजेशंस ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स. ऑल्सो असेस द इम्प्लीकेशंस, क्या और हो सकता है, यू नो यू हैव टू गो बियॉन्ड implications में, because again you're a government official, you have the information, आप implication अच्छे से सोच सकते हैं कि अगर ये दिया जाएगा तो ये 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 हो सकता है. This is what an implication is, the possibilities के इसके ये 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 effects हो सकते हैं. ये भी मेरे को बहुत important चीज़ एक लगी, 5 C's of noting, complete, आपके what, why, when, where, who, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नोट में आंसर होने चाहिए हर हाल में. सेकंड, क्लियर, इट हैज़ टू हैव शॉर्ट एंड फेमिलियर वर्ड्स. बहुत ही ज़्यादा भारी लैंग्वेज में लिखना, बहुत डिफ़िकल्ट शशि थरूर वर्ड्स लिखना, वो सब नहीं करना है हमको. सो बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लिखने हैं हमको, फेमिलियर वर्ड्स सिंपल लैंग्वेज में ही हमको लिखना है, सो दैट इट्स एक्सेसिबल, समझ आता है लोगों को जिनको हम भेज रहे हैं. नाउ इट हैज़ टू बी कोहेरेंट, जो सब्जेक्ट है ना उसी के अराउंड होना चाहिए. ये नहीं कि टोक्यो ने आपसे मांगी कि हम फिल्म कर लें और आप उसके इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस, ट्रेड टाइज, पता नहीं क्या क्या लेके बैठ गए आपके अपने छोटे से नोट में, ये सब नहीं करना है. नो, सब्जेक्ट में जो है आपका नोट उसी के बारे में हर हालत में होना चाहिए. नेक्स्ट, करेक्ट, फैक्ट्स फिगर्स ग्रामर, ये दो अलग चीज़ें हैं. फैक्ट्स और फिगर्स एक साथ आ जाते हैं, ग्रामर एक अलग चीज़ है. दोनों चीज़ें आपकी, मैं नहीं बोल रही आपको अगेन, बहुत आपको फ्लारी भाषा में नहीं लिखना, बट द ग्रामर हैज़ टू बी करेक्ट. गलत सलत इंग्लिश नहीं लिखनी, दैट्स नॉट एक्सपेक्टेड.
फैक्ट्स एंड फिगर्स वो करेक्ट होने चाहिए. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर रिप्रेजेंटिंग द GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट गो रॉन्ग हियर. आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आपके सुपीरियर्स पे आएगी, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड. कर्टियस अगेन, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल टोन होनी चाहिए इवन इफ यू आर डिसअग्रींग और रिफ्यूजिंग. नाउ वी कम टू ड्राफ्टिंग. व्हाट इज ड्राफ्टिंग, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड. अच्छा, अब इसमें ये रफ स्केच है, ड्राफ्ट है. आपने देखा कभी जीमेल में नोटिस किया हो, जो मेल आप नहीं सेंड करते वो ड्राफ्ट में चली जाती है, बिकॉज इट्स अ रफ वन. यू माइट सेंड इट, यू माइट नॉट सेंड इट. नाउ इसको अप्रूवल चाहिए होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप होंगे इनिशिएटर, इनिशिएटर एंड दूसरा होगा आपका ऑफिसर जो कि आपका सुपीरियर होगा. इनका जब सिग्नेचर अप्रूवल मिलेगा तो ही ये ड्राफ्ट बनेगा फाइनल, तब तक के लिए वरना ड्राफ्ट ही रहेगा. व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, क्लियर कंसाइज एंड पोलाइट मैनर में आपको मैसेज को कन्वे करना है कि हम अगर हाँ बोल रहे हैं, इफ यू आर सेइंग यस देन इट्स क्लियर कट यस, इफ यू आर सेइंग नो देन इट्स क्लियर कट नो. ये नहीं कि यस नो पता नहीं, ये सब नहीं करना. इट हैज़ टू बी क्लियर कंसाइज एंड दैट इज व्हाई सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू. अब नोटिंग वाली फेज गई, जब आप एक दो तीन क्या हो सकता है क्या हो सकता है क्या हो सकता है सजेशंस वगैरह सब दे रहे हैं ना, आप चूज़ कर चुके हैं उस स्टेज पे, आपके ऑफिसर ने एक कुछ चूज़ कर लिया है एंड नाउ यू हैव टू गिव दैट डिसीजन ओनली. स्ट्रक्चर अगेन, पैराग्राफ्स, ठीक है, पैराग्राफ्स में रहेगा लॉजिकली सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब ए के बाद बी के बाद सी, नंबरिंग नहीं, थॉट या आपका आर्ग्यूमेंट आना चाहिए, ठीक है. ये नहीं होना चाहिए कि आपने बी पहले कर दिया, सी कर दिया, फिर ए कर रहे हैं. नो, अवॉइड दिस. लॉजिकल सीक्वेंस आपकी होनी चाहिए. अगेन, कंटेन रेफरेंसेस टू एनी प्रीवियस कोरेस्पॉन्डेंस इफ एनी, अगर है तो आप कर दो. सैम्पल में हम देखेंगे कि प्रीवियस कोरेस्पॉन्डेंस जहाँ पे गिवन होती है, कहाँ, क्वेश्चन में, वहाँ पे हम डालते हैं. इसीलिए बहुत प्यारा पॉइंट, इट्स सिंपलर देन नोटिंग, छोटा होता है एंड उससे सिंपल होता है. अब फॉर्मेट देख लेते हैं. फाइल नंबर अगेन क्वेश्चन में गिवन होगा ये आपका. चलो, नेम डेजिग्नेशन मतलब आप किस पोजीशन पे हैं, एंड टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर एंड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको अपना पर्सनल घर का नंबर या घर का एड्रेस नहीं देना है. इट हैज़ टू बी ऑफिशियल. तो ये बात आप ध्यान रखें कि ये सेंडर ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि पर्सनल. नाउ सैल्यूटेशन विल बी देयर. अच्छा, यहाँ पे मैंने इस बार वो रेड नहीं मांगे मारे, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप समझ गए हैं कि यहाँ पे आपको एक एक लाइन छोड़नी है. सैल्यूटेशन रहेगा, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, जैसा भी. देन यू हैव द सब्जेक्ट, देन यू हैव द नंबर और डेट ऑफ लास्ट कम्युनिकेशन इफ देयर इज एनी. फिर आपके आ जाते हैं बॉडी, जो कि अलग अलग पैराग्राफ्स में हो सकती है बेस्ड ऑन द टॉपिक, द डिसीजन. लंबा है तो आप नंबर कर दीजिए, सॉरी नंबर बोल रही हूँ, नो नंबरिंग. लंबा है तो आप पैराग्राफ्स कर दीजिए एंड छोटा है तो आप फिर एक ही पैराग्राफ में कर दीजिए. एनक्लोजर्स क्या हैं, एनक्लोजर्स हैं कि मान लो कोई नोटिफिकेशन, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, कोई एक्स्ट्रा यू नो पेपर या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर है जो कि अटैच होनी चाहिए, आप उसको एनक्लोज कर देंगे. अब वो भी कैसे होगा वो आप अभी अभी सैम्पल में देख लेंगे. एंडिंग सैल्यूटेशन, योर्स फेथफुली और सिंसियरली, एंड देन SD, सेंडर नेम एंड डेजिग्नेशन, जो कि सीधा सीधा यहाँ से कॉपी होके आपके यहाँ आ जाएगा. बहुत सिंपल. एंड फाइनल चीज़, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोस्ट या मैसेंजर, ये आपको मेंशन करना है. ये भी मेरे ख्याल में क्वेश्चन में मेंशन होगा. आपको बस सिंपल ये लिख देना है, या तो आइदर पोस्ट या मैसेंजर. एंड ये गलती मत करिएगा कि मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं है गिवन, तो आप क्या करेंगे, यू नीड टू राइट एनी वन, भले ही आपको ना पता हो. मुझे नहीं पता टोक्यो से ये कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस लेवल पे, एग्जाम लेवल पे मुझे नहीं पता, सो आई विल राइट पोस्ट. पर मैं इसे खाली नहीं छोड़ूंगी. यू डू नॉट
लीव ब्लैंक प्लीज़, ये गलती नहीं, ठीक है ना। द सैम्पल ड्राफ्ट देखते हैं एक बार, अगेन वील चेक वेदर द फॉर्मैट मैचेस और नॉट, नेम एड्रेस एक्सेट्रा सब गिवन है, ठीक है। बाय पोस्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने पहले ही कर दिया, ये वाला मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट डाल दिया अपने तरफ से, ठीक है। सैल्यूटेशन इज देयर, सब्जेक्ट परमिशन ग्रांटेड फॉर शूटिंग पोर्शन ऑफ मूवी बाय जापान, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। नंबर एंड डेट ऑफ लास्ट कम्युनिकेशन ऑलरेडी गिवन है, मैंने आपको जैसा कहा था कि ये मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से निकाला है, सो लुक एट द ब्यूटिफुल वे इन विच देव ऑलरेडी डन इट। द बॉडी इनका छोटा सा था, हमने परमिशन दे दी, ठीक है, तो देव जस्ट हैड वन पैरा, अगेन बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू कैन एक्सटेंड इट और रिड्यूस इट। एनक्लोजर्स ये देखिए, ये रहे आपके एनक्लोजर्स, ठीक है। एंडिंग सैल्यूटेशन योर्स सिंसियरली सेंडर्स नेम, अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इस तरफ लिख दिया था बट इन्होंने अपने फॉर्मेट में उधर बताया था, तो ये मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें एम्बिग्विटी है, यहाँ ये क्लियर नहीं है, तो आप छोड़िएगा मत, आप किस भी तरफ लिख दीजिए, पर क्योंकि इन्होंने अपने इसमें यहाँ लिखा है तो यहीं लिखिएगा। द डेट इज़ देयर एंड द सेंडर्स नेम इज़ देयर, खत्म। सम गाइडलाइंस फॉर ड्राफ्टिंग, अब जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था टीचर, एंड उन्होंने आपको डेलीगेट किया है टू द स्टूडेंट दैट लिसन यू नीड टू राइट अ ड्राफ्ट और अ नोट फॉर मी, ठीक है। सो व्हाट डज द स्टूडेंट डू, अपनी तरफ से वो जैसे बात करता है नॉर्मली वो वैसे लिख देगा, नो ही हैज़ टू और शी हैज़ टू टेक ऑन द रोल ऑफ द टीचर, उसकी पर्सनालिटी, उसकी जो पोजीशन है सोसाइटी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको उसको समझना पड़ेगा, वो वैसे ही कम्युनिकेट करेगा। सो व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट एंड द पोजिशन ऑफ द सेंडर, ना आपको तड़ी लगेगी। सो सिंस यू राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिसर और द टीचर, आपको ये करना पड़ेगा, अगेन प्रिसाइज अनएम्बिगुअस, बहुत क्लियर और बिल्कुल, क्योंकि डिसीजन यहाँ बता रहे हैं तो येस या नो वाला चीज़ नहीं है, या तो येस है या नो है, कोई भी एक चीज़। कॉमन टर्मिनोलॉजी, भारी शब्द नहीं, भारी शब्द नो, डू नॉट इंक्लूड एनीथिंग मोर देन नेसेसरी, फालतू इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने कहा नहीं डालनी, जितना पूछा है जितना क्वेश्चन में है और जितना आप एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द फ्यूचर एंड एज अ स्टूडेंट राइट नाउ जानते हैं, आप उतना ही डालेंगे प्लीज। अवॉइड यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, शॉर्ट रखिए, टाइम बचाएंगे आप, आपके पास बहुत बड़ा पेपर है लिखने को, एसे वगैरह भी है या लेटर भी है, सो आप छोटा ही रखिए इसको, कट टू कट, ये मेरे को बहुत अच्छा फ्रेज लगता है, कट टू कट, वही डालिए, शुड नॉट बी वेग एंड अनक्लियर, यहाँ से आ गया, ठीक। ओह इसमें मैं पेन का कलर चेंज करके देखती हूँ, रेड, बिकॉज यू नीड टू अवॉइड दिस इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। रूड टोन कहते ही नहीं, नो। बायस्ड एटीट्यूड, आई थिंक दिस, आई थिंक दैट, पर्सनल ओपिनियंस की यहाँ जगह ही नहीं है, नो। No one cares right now what you think and it's not expected out of you. आप बस facts, figures ये सब quote करें and एक बहुत ही objective answer आप देके ख़त्म करें please. आप खुद क्या सोचते हैं, nobody cares about that unless and until it's you're giving suggestions के ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं and that also has to be based on facts, has to be objective. Improper arrangement of information, वही ए बी सी, थोड़ा लॉजिकल सीक्वेंसिंग जब रहेगी ना, व्हेन दे विल फ्लो इनटू वन अनदर, तो बात बनेगी, वरना कोई ना पढ़ना चाहेगा और आगे आपने गलती करी तो वापस भी बहुत सुनने को मिलेगा। की आइडियाज़ मिस नहीं करने, अगर टोक्यो ने मूवी शूट करने के बारे में पूछा है तो आप प्लीज़ कृपा करके उनसे फॉरेन पॉलिसी डिस्कस मत करें, आप उनसे ट्रेड डिस्कस ना करें, आप उनसे मूवी के सिवाय कुछ डिस्कस ना करें, अनलेस एंड अंटिल इट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली। लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं, यहाँ पे मैं बताती हूँ यहाँ होता क्या, यहाँ पे ना आपके मिस्टेक करने के
चांसेस हद से ज़्यादा हाई हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक लॉन्ग सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि जो शुरू में टेंस आपने यूज़ किया था वो लास्ट तक भी वो सेम टेंस आप पकड़ रहे हैं कि नहीं, वो टोन पकड़ रहे हैं कि नहीं, वो सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं कि नहीं, रिपीट तो नहीं कर दिया कुछ। तो इसलिए उसको अवॉइड ही किया करो, अपना छोटे छोटे सेंटेंसेस एकदम कट टू कट लिखो, कट टू कट। नेक्स्ट, टिप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये हर जगह अप्लाई करेगा बट अभी हम जो है नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग स्पेसिफिक ही कर रहे हैं। लेट मी चेंज इट। आइडेंटिफाई विद द सेंडर, ठीक है। विजुअलाइज द रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। अब इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हर हाल में, जैसे कि मैंने आपको ऐसे वाली वीडियो में समझाया था, एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। इसमें आप पूरा एक सर्कल में सोच पाएंगे कि मैंने इंट्रो यहाँ किया था, ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, ये सजेशंस देने हैं, यहाँ वापस आ जाऊँगा मैं, एंड सब कंप्लीट हो जाएगा। अवॉइड रेपिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो आप लिख चुके हैं, जो आप बोल चुके हैं, वापस फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बढ़ाएगा आपका, टाइम खाएगा, ठीक है, आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, एंड ये आपके मार्क्स भी ले जाएगा, क्योंकि आप जो बोल चुके हैं आप उसको फिर क्यों लिख रहे हैं, मतलब ये आप इनएफिशिएंट हैं और आप अपनी ड्यूटी में लैग कर रहे हैं, आपको ये काम ही नहीं आता। तो इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू नीड टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। स्टीयर क्लियर ऑफ वेगनेस। वही बात, येस और नो, कट टू कट। बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपने लिखा है, वो फैक्ट्स फिगर्स आपको दिमाग में रखने हैं। ऊट पटांग नोट में कुछ किया, ड्राफ्ट में उसका उल्टा बोल दिया, ये सब बहुत कोलोसल, बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो कि आपको नहीं करनी। दिस इज़ अ गुड पॉइंट। ये आपको मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वाला जो भी डिपार्टमेंट है वो आपको इंडक्शन के बाद समझाएंगे कि एड अ समरी इन द बिगिनिंग इफ द एंटायर नोट इज़ लेंदी और कॉम्प्लेक्स। एक बार मैं आपको इस नोट वाले सैम्पल में भी दिखा देती हूँ, ये रहा, ये आप कह सकते हैं कि ये समरी है। जब आप पढ़ेंगे ना इसको, ये एक्चुअली में समरी है जो कि पूरे नोट में फिर बोली जाएगी, उसकी समरी है जो उन्होंने शुरू में ही बता दी, बट ये आपको और क्लियरली आपके इंडक्शन के बाद पता चलेगी। एंड फाइनली, व्हाट आई ऑल्सो फाउंड ऑनलाइन फ्रॉम अ वेरी गुड बुक वॉज अ सैम्पल क्वेश्चन। ये मैंने सीधा सीधा वहीं से उठा लिया। सो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है, अभी आपको दिखेगा। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू सी द सिचुएशन विच इज़ गिवन इन द फोटोग्राफ। कुछ फैक्ट्स आपको गिवन हैं, जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपको दिखेगा। आपको एक नोट प्रिपेयर करना है, ठीक है, सजेस्टिंग सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। बहुत ध्यान रखिएगा कि जो भी हमने कॉम्पोनेंट्स अभी डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, आप फॉर्मेट अपने पास रखिए। जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, प्लीज़ ज़रूर करिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसको और कॉम्पोनेंट्स ऑफ राइटिंग अ नोट, ठीक है, राइटिंग में जो मैंने और भी चीज़ें डिस्कस की हैं एक्स्ट्रा, जो कि भाई किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं की, ऑनलाइन ऑनलाइन मटेरियल ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, उसको आपको दिमाग में रखना है और फिर लिखना है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि आपको फिर एक ड्राफ्ट बनाना है बेस्ड ऑन द नोट दैट यू प्रिपेयर्ड इन दिस पार्ट। तो पहले आप बना लेंगे नोट, ठीक है, फिर आप नोट को ही एज अ क्वेश्चन ट्रीट करके इस पे बनाएंगे अपना बढ़िया सा ड्राफ्ट। एंड फिर मैं चाहती हूँ कि इफ पॉसिबल यू एक्चुअली सेंड इट टू मी ऑन माई ईमेल आईडी। एंड वॉट आई डू इज आई गो थ्रू देम वेरी हैप्पीली, एंड मैं उसको देखूंगी कि वो इम्प्रूव कहाँ हो सकता है, कहाँ आप रह जा रहे हैं, कहाँ पे और सजेशंस उसको और स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो अगर आप भेजेंगे तो इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, एंड मेरे तक आएगा तो और आप उसको इम्प्रूव ही करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन फटाफट दिखा देती हूँ। दिस इज द क्वेश्चन, दीज वर द फैक्ट्स दैट वर गिवन, एंड यू नीड टू प्रिपेयर अ नोट, एंड देन फ्रॉम द नोट यू नीड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट। आई एम कंटिन्यूसली सेइंग ये कहीं भी यूट्यूब क्या इंटरनेट पे ही अवेलेबल नहीं है ये चीज़। 10 अलग लोकेशन से टूटी हुई इन्फॉर्मेशन निकाल के मैंने ये जोड़ा है। आई हैव कोलेटेड दिस ऑल टुगेदर फॉर यू। यू ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रैक्टिस। प्लीज़ डू करो यार इसको प्रैक्टिस, प्लीज़ करिए एंड मुझसे शेयर करिए, आपका बहुत फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी चीज़ यार, चलो एग्जाम में आपने अटेम्प्ट नहीं किया, जब आप वहाँ इंडक्शन आपका हो जाएगा, वैन यू विल बिगिन एज एन ऑफिशियल, आपको ऑलरेडी कई चीज़ें पता होंगी, आप न्यू भी नहीं रहेंगे और वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता है। एंड फाइनली, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो। मैं पूरा बाक UDC लेवल 2 का पेपर कवर कर रही हूँ, पूरा सिलेबस कवर कर रही हूँ, एंड
ऑल यू नीड टू डू इज सपोर्ट मी इन दिस जर्नी ऑफ माइंड, क्योंकि मैंने देखा है ऑनलाइन नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, देर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट देयर, जो कंटेंट है वो बहुत पुराना भी होता जा रहा है. सो एकदम कंटेम्प्रेरी फ्रेश क्वालिटी कंटेंट उतना मुझे नहीं मिला, ये भी मैंने खुद बनाया है. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू वेरी सून. नेक्स्ट हम लेटर करेंगे, सारे कॉम्पोनेंट्स लेटर के हम फटाफट कर देंगे. आप अभी के लिए इसको प्रैक्टिस करिए एंड आई विल सी यू सून. बाय.